किचन में बन रही है दाल चिकन। आइए देखते हैं बनती कैसे है। मैंने अपने तरीके से बना रही हूँ। इसकी रेसिपी बहुत सिंपल और इजी है और खाने में यकीनन मज़ेदार लगेगी आपको। चले आए शुरू करते हैं। चने की दाल और चिकन को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन तकरीबन 700 ग्राम्स, तकरीबन 3 पाव के करीब है। चने की दाल है 1 कप, टमाटर है इसमें 1 कदर दरमियाने साइज का, प्याज मैंने 2 अदद ली थी दरमियाने साइज की, इनको इस तरह से बारीक काट लिया है। गार्निश करने के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं। इसके अंदर जो खुश मसाले डालेंगे चिकन की तैयारी में वो पहले देख लेते हैं। उसमें मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून से ज़रा ज़्यादा ले रही हूँ ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ले रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून है अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून है लहसुन का पेस्ट, चुटकी भर इसमें यूज़ कर रही हूँ कलौंजी और चुटकी भर इसमें राई दाना यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो खुश मसाले यूज़ हो रहे हैं वो है 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, 1 फूल बादियाम का, साबुत इलायची है बड़ी साबुत इलायची 1 अदद है, 4 से 5 अदद लौंग यूज कर रही हूँ। व्यूअर्स, दाल को पहले मैंने भिगो कर 20 मिनट के लिए रख लिया था। दाल को भिगोने से ये होता है कि दाल बड़ी अच्छी तरह से गल जाती है। अब इस दाल में मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ही सूख मिर्च पाउडर और 1/2 से थोड़ा कम टीस्पून हल्दी पाउडर। इसमें मैं तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी डालकर इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी और इस दाल को इतना बॉईल करेंगे ताकि इसका दाना भी रहे और वो थोड़ी सी मिक्स भी हो जाए। व्यूअर्स, आइए हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले मैंने प्याज को पैन में डाल दिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब ऑयल इसमें शामिल कर रही हूँ और प्याजों को लाइट गोल्डन कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, प्याज इस तरह से गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन और साथ ही इसमें साबुत गरम मसाले जो मैंने बताए थे वो भी शामिल करूंगी। अब मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, शामिल कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च पाउडर, इसमें पानी शामिल कर रही हूँ ताकि प्याज हमारी गल जाए। इसके बाद मैं शामिल करूंगी टमाटर और अदरक का पेस्ट और साथ ही इसमें जाएगी चुटकी भर कलौंजी और चुटकी भर राई। करके रख दूंगी ताकि टमाटर और अदरक अच्छे से गल जाए और हमारा मसाला रेडी हो जाए। व्यूअर्स, ये देखिए 10 मिनट्स गुजर चुके हैं। इस वक्त हम इसका सारा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और साइड्स पे आप देख रहे हैं कि ऑयल नजर आ रहा है। तो इसके बाद चिकन को अच्छी तरह से मैं भूनूंगी ताकि अच्छी तरह से चिकन ऑयल छोड़ जाए और इसका मसाला रेडी हो जाए। देखिए व्यूअर, सारा चिकन मसाला रेडी हो गया है। अब हम दाल की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, दाल रेडी हो चुकी है इस तरह से, ये बिल्कुल दाना इसका गल चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन और इसको पकने के लिए रख देंगे।
10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसको कवर कर दें। अब बारी है दाल को तड़का लगाने की। तड़का लगाने के लिए छोटी सी प्याज ले लें, हाफ टी स्पून के करीब हम ले रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च और 1/4 टी स्पून ले रहे हैं क्यूमिन सीड यानी जीरा, साबुत जीरा। देखिए व्यूअर्स, चिकन दाल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको लगाएंगे तड़का। चिकन रेडी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।